हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड इस कोर्स के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं MPPSC 2019 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम कवर अप करेंगे सारा सिलेबस टिल जनवरी 2019, होल सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी पर मेरे द्वारा बनाई गई ये डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप वहाँ पर जाके ये कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हैं। और दिस इज़ द सक्सेस कीज, जिसमें हम MPPSC को क्लियर अप करने के लिए आपको डिफरेंट कीज प्रोवाइड करते हैं, जो होते हैं हमारे डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें हम दो टेस्ट स्टैटिक सिलेबस से मंडे एंड वेडनेसडे, एक करंट अफेयर का टेस्ट लेते हैं ऑन फ्राइडे और एक फुल लेंथ टेस्ट होता है ऑन सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्री प्लान्ड सिलेबस दिया जाता है हर टेस्ट के लिए और उसमें से आपको तैयारी करके आनी होती है और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट ले लिया जाता है विद द सिलेबस, और जिनमें हम कवर अप करते हैं डिफरेंट बुक लिस्ट, NCERTs, रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, जी सी लियोंग, शंकर IAS एंड हिंदू PIB योजना, कुरुक्षेत्र साइंस रिपोर्टर से आपके करंट अफेयर्स। लूसेंट हम यहाँ पे पूरी कवर अप करेंगे और MP आप किसी भी सोर्स से पढ़ के आ सकते हैं, आपको टेस्ट में आंसर्स देने होंगे, जैसे कि आज के टेस्ट में MP का पार्ट इंक्लूडेड है जो हमने अभी तक सिलेबस कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी के NCERTs कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स के NCERTs शुरू कर दिए हैं, पॉलिटी भी NCERTs से करना शुरू कर दिए हैं और दो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हो गए, जो आज हमारा एक फुल लेंथ टेस्ट आज होने वाला है। इस टेस्ट में सबसे पहले हम आपसे टेस्ट लेंगे MP के क्वेश्चन, जो MP की फिजियोग्राफी से रिलेटेड होंगे, और फिर होगा एक आपका फुल लेंथ टेस्ट और उसके बाद में दिया जाएगा आपको पूरा सिलेबस, जो आपको नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके लिए पढ़ के आना होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस टेस्ट इज इंक्लूड MP की फिजियोग्राफी, सबसे पहले रिवर्स, नेचुरल डिविजन्स, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, सॉइल, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसमें क्वेश्चन है, अराउंड 25 to 26 इसके अंदर क्वेश्चन है। फिर आपका एक फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, आपके पूरे पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही वो टेस्ट बनाया गया है और उसके बाद में होगा आपका सिलेबस, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करके आनी होगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन MP। अब ये सवाल सोचने में बहुत इजी होगा, सबने पढ़ा होगा, आंसर इज 51 लग रहा होगा, बट नो फ्रेंड्स, द आंसर इज 52। अभी एक नया ताज़ा डिस्ट्रिक्ट बना है, दैट नेम इज निवारी, जो किस से निकल कर बना है, टीकमगढ़ से। कब बना? अक्टूबर 2018 में अभी बना है, रिसेंट इस क्वेश्चन के आने के बहुत ही ज़्यादा आसार हैं। द आंसर इज 52। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 52, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ही चांसेस आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट टचेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं टच करती है उज्जैन, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रेंड्स हमारी MP के 14 जिलों को टच करती है, ये जो बघेलखंड को बिल्कुल दो हिस्सों में काटती है और मालवा जो प्लेटियो है उसके बिल्कुल सेंटर से पास करती है। तो आपको बताना है कि इसमें किसको टच नहीं करती है। द आंसर इज सी, इंदौर को टच नहीं करती है, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल को ये टच करती हुई निकलती हैं। तो 14 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतपुड़ा रेंज नॉट फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट, सतपुड़ा की जो रेंज है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर। सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा दो रेंजेस आती हैं, ये हमारे साउथ ऑफ द MP के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पे? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। कहाँ पे? सागर में नहीं मिलती, ये साउथ में पाई जाती हैं। तो ये सागर इज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो यहाँ पे नहीं, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा तीनों में ये सतपुड़ा की रेंज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर ट्राइब फाउंड इन द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड में जो मुख्य पर जो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा है? सहरिया, गोंड, बैगा और none of the above, the answer is सहरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्राइबल में नहीं आता, बट मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स बोली थी तो उनके अंदर ये ट्राइबल का भी थोड़ा पार्ट हो जाता है कि इस डिवीजन में ये ट्राइब होती हैं सबसे ज़्यादा मिलती होती हैं। हमारा जो ट्राइबल का होगा वो नेक्स्ट लेसन होगा, जिसमें हम ट्राइब के बारे में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज सिद्ध बाबा हिल सिचुएटेड एट, अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। द सिद्ध बाबा हिल इज सिचुएटेड एट, इट इज एट बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंदर सिद्ध बाबा हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज लाख प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट, जो लाख की जिनसे बैंगल्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो लाख कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? द आंसर इज मंडला, जबलपुर से, शहडोल और ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी में ही पाई जाती हैं, मंडला, जबलपुर और शहडोल, इन तीनों के अंदर। द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एरिया ऑफ MP, जो MP का MP के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके कितने एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं? 24%,
प्रतिशत, 25%, 31% या 35%? द आंसर इज सी, जो हमारा 30.7% है, अराउंड 31% एरिया के अंदर एमपी के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है। नेक्स्ट इज जो कितना एरिया कवर करता है, 9469 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया करता है, और कौन से फ्रेंड जो यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये मिक्स ड्राई ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट। तो ठीक है, कौन से फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट जिसमें साल और टीक की प्रधानता है, साल और टीक के जो वृक्ष हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज सिगार जानापाव छजारी पीक फाउंड ऑन विच प्लेट्यू, तो ये जो पीक हैं किस प्लेट्यू पे मिलती है, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा प्लेट्यू? द आंसर इज री, मालवा प्लेट्यू। ये जो पहाड़ियाँ, जैसे आपको आइडिया लगा सकते हैं, जैसे जानापाव महू, तो यहाँ से ये महू कहाँ पे आ गया, मालवा प्लेट्यू, तो थोड़ा सा आइडिया से आप लगा सकते हैं कि ये तीनों पीक कहाँ पे मिलेंगी हमें, एक का पता चल गया तो तीनों लगा सकते हैं, दैट इज ऑन मालवा प्लेट्यू। द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 इज कड़प्पा एज रॉक फाउंड ऐप, जो कड़प्पा या विंध्यन या धारवाड़, ये डिफरेंट जो एज एज की जो रॉक्स होती हैं, ये इसमें से कड़प्पा की जो एज रॉक्स हैं कहाँ पे मिलती है, रीवा, पन्ना, बिजावर या खंडवा? द आंसर इज बी, पन्ना के अंदर ये कड़प्पा युग की जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं, जो रीवा के अंदर हैं वो धारवार एज ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ एमपी, ये सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, तो इसका जो एक्सटेंट है 17°46 N to 26°30 N। ठीक है, और 74°59 E to 84°51 E। ठीक है, तो और ये ईस्ट से वेस्ट कितना है 1996, और नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो ये है 650 not of 670, तो डी हो जाता है हमारा गलत और ए बी सी हो जाते हैं हमारे सही, और जो नॉर्थ टू साउथ अब आपको लगाना है वो अराउंड 650। ठीक है, तो याद रहेंगे, याद करने की कोशिश कीजिए कि कितना कितना गैप इसके अंदर आ रहा है। द नेक्स्ट इज एमपी प्रोड्यूस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ तेंदू लीव्स इन अ कंट्री, इंडिया के अंदर जो एमपी तेंदू लीव्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे बीड़ी बनाई जाती है, ये हमारा बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज का बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रीज हैं ये एमपी के अंदर, और ये पाई जाती हैं, बहुत लोगों को इससे रोजगार मिलता है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, तो इसमें कितना परसेंट हम इंडिया का प्रोड्यूस करते हैं, 60% जो तेंदू लीव्स हैं वो एमपी में से ही निकलती हैं, आंसर इज बी। द नेक्स्ट इज पन्ना माइंस आर ऑफ विच सीरीज ऑफ रॉक्स, पन्ना की जो खदानें हैं उनमें कौन सी सीरीज की चट्टानें मिलती हैं, बिजावर, ग्वालियर, सोनसर या संकोली? द आंसर इज ए, बिजावर, बिजावर माइंस जो हैं उन सीरीज की रॉक्स हमें मिलती हैं ऑन पन्ना माइंस। द नेक्स्ट इज जबेरा डोम फाउंड एट, जो जबेरा का गुंबद है वो कहां पे मिलता है, दमोह, बुंदेलखंड, मालवा या सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू? द आंसर इज ए, दमोह, दमोह में मिलता है जबेरा का गुंबद। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोज नॉट करेक्ट रिवर एंड इट्स ओरिजिनेट पॉइंट, इसमें से कौन सा गलत है कि जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वर्धा, मुलतई शिवनी, पार्वती एट गुना, तवा एट महादेव हिल, पचमढ़ी एंड शिप्रा एट काकरीबर्डी इंदौर? तो आंसर जो बी है ये गलत है, जो पार्वती है वो सीहोर से निकलती है ना कि गुना से, बाकी बिल्कुल सही है, वर्धा मुलताई से, शिवनी से ही निकलती है, तवा महादेव हिल्स पचमढ़ी में से निकलती है अनूपपुर से, शिप्रा जो है काकरीबर्डी इंदौर से निकलती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट इज एमपी क्लाइमेट मेट्रोलॉजी लैब, एमपी के अंदर जो क्लाइमेट मेट्रोलॉजी लैब है वो कहाँ पे, इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी या शिवपुरी? द आंसर इज इंदौर। भोपाल में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। द नेक्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ एमपी फॉरेस्ट, एमपी ने अपने जो वन है उनका पूरा मतलब टोटल ऑल ओवर द नेशनलाइजेशन कब कर दिया था, तो वो किया था फ्रेंड्स ऑन 1970 में, जो वन है उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था एमपी के अंदर। 1974 के अंदर क्या हुआ था, एमपी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बना था 1974 के अंदर। 1976 के अंदर एमपी सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम आई थी,
सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम का मतलब ये होता है कि आपको अपने घरों के अंदर कुछ वानिकी करने, कुछ ऐसे पौधे लगाने हैं जो आप, जिनसे आप प्रोड्यूस ले सकें, जो आपके घर के अंदर उपयोगी हों या औषधीय पौधे हों। तो मतलब लोगों की हेल्प से हमने क्या क्या फॉरेस्ट लगाने शुरू किया, वो कम्युनिटी एरिया के अंदर या अपने घर के किसी लॉन के अंदर या कम्युनिटी जो लैंड्स होती हैं उनके अंदर, जो सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट आया था। दिस इज एमपी सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्टेड ऑन 1976, ठीक है। और डी 1973 के नेशनलाइजेशन ऑफ बैम्बू, बैम्बू का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जैसे अभी आप देखते हैं पिछले ही साल में बैम्बू को जो ट्रीज की लिस्ट से हटा दिया गया, तो वो भी आपको याद रख सकते हैं कि बैम्बू को अभी ट्री की लिस्ट से हटा दिया गया। नेक्स्ट इज जॉर्ज कैसल फोर्ट इज फाउंड एट, जॉर्ज कैसल का किला कहाँ पे मिलता है, माधव नेशनल पार्क, कान्हा किसले नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल पार्क? द आंसर इज ए, माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल फोर्ट मिलता है हमें। पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड एट, पनपथा कहाँ पे मिलती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सीधी धार, राजगढ़ या शहडोल? आंसर इज डी, शहडोल में है पंथपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीधी के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? भगदरा, संजय गांधी, भगदरा और संजय गांधी। धार में कौन सी है? धार में है सरदारपुर। और राजगढ़ में कौन सी है? राजगढ़ में है नरसिंहगढ़, ठीक है। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन एमपी, एमपी के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे टाइगर को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, उनके हैबिटेट को संरक्षित किया जाता है, उनके प्रेज को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। 6, 25, 9 और 10, सिक्स, देर आर सिक्स टाइगर रिजर्व्स इन एमपी। 25 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 9 हमारे पास नेशनल पार्क है, और कर्नाटका जो टॉप करता है टाइगर रिजर्व्स के अंदर, और वो एक टाइगर स्टेट भी बन गया है। 2013 तक हम थे, उसके बाद में कर्नाटका एक टाइगर स्टेट बन गया, क्योंकि उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो टाइगर की जो तादाद है वो कम हो गई, और कर्नाटका भी एक टाइगर स्टेट भी है और एलिफेंट स्टेट भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एमपी फॉरेस्ट डिविजन्स, एमपी के अंदर कितनी फॉरेस्ट डिविजन्स आती हैं? द आंसर इज बी, 63 फॉरेस्ट डिविजन्स आर देयर इन द एमपी। और यहाँ पे फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं? तो 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं, और उसके अंदर 63 फॉरेस्ट की डिविजन्स आती हैं। टी के अनुसार हमारे प्राइड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, जो इमारती लकड़ी में काम भी आते हैं। रेड येलो सॉइल गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, रेड येलो लाल पीली मिट्टी में कौन सी, किस जो जो खन जो हमारा ये फूड है, किसकी जो खेती है सबसे अच्छी होती है? वीट, कॉटन, राइस या सोया? आंसर इज सी, जो राइस ग्रेन्स हैं उनकी जो खेती है वो रेड येलो सॉइल में अच्छी होती है, क्योंकि उधर बारिश भी हो रही होती है, और वहाँ पे ये, क्योंकि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, तो रेड येलो सॉइल वो पानी के कारण ही इनका कलर, क्योंकि ये जो रेड येलो मिट्टी है हमारे यहाँ पे वेस्ट के अंदर मिलती है, एमपी के वेस्ट एरिया के अंदर, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पचमढ़ी जैसे बोलते हैं यहाँ पे पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे रेड येलो सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पे राइस की खेती अच्छे से की जा सकती है। द नेक्स्ट इज पीएच ऑफ द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का पीएच कितना होता है? द आंसर इज सी, 6.3 to 6.4। तो ये जो पीएच है ये हमारा नियर अबाउट न्यूट्रल है, क्योंकि 7 न्यूट्रल हो जाता है, 6.3 to 6.4 ये स्लाइटली एसिडिक आएगी, स्लाइटली एसिडिक, ना कि पूरी एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो आंसर इज सी, 6.3 to 6.4, ये रिच होती है आयरन से, एल्युमिनियम से और लाइम, लाइम जो चूना होती है, यहाँ पे आयरन भी ज़्यादा होता है जिनसे क्या इसका कलर ब्लैक होता है, एल्युमिनियम भी ज़्यादा है, लाइम के होने के कारण ये पानी को बहुत ज़्यादा सोख सकती हैं, और इसके बाद में इसके अंदर दरारें भी बढ़ जाती हैं जब पानी की कमी हो जाती है, तो उसके बाद में दरारें बढ़ जाती हैं, तो लाइम के कारण, चूना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर सोख सकती है। द नेक्स्ट इज रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड यूपी, एमपी और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाने वाली कौन सी रिवर? नर्मदा, पार्वती, बेतवा और काली सिंध? द आंसर इज सी, बेतवा, जो कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव, रायसेन से, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अनूपपुर। पार्वती निकलती है सीहोर से, और जो काली सिंध निकलती है वो बागली, देवास से निकलती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज दर्दी फॉल इज ऑन द रिवर, दर्दी फॉल है जो कौन सी रिवर पे है? चंबल, बीहड़, नर्मदा, केवटी? द आंसर इज सी, जो दर्दी फॉल है ऑन द नर्मदा रिवर पे है, कहाँ पे है? बड़वा में,
ठीक है, याद रखने की बात है। चंबल पे कौन कौन से फॉल आते हैं? चुलिया जो सबसे बड़ा है मंदसौर के अंदर, फिर पाताल पानी, झाड़ीदा जो इंदौर के पास में बनते हैं, ठीक है। बीहड़ पे जचाई जो फॉल है सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, कौन से रिवर पे बनता है? तो ये आपको याद रखना होगा, बीहड़ पे बनता है जचाई, और कहाँ पे बनता है? रीवा के अंदर। कितनी हाइट है इसकी? 130 मीटर हाइट है, ये हाईएस्ट इन द एमपी है, ठीक है। नेक्स्ट इज केवटी, केवटी पे केवटी फॉल ही बनता है, केवटी रिवर पे, ये बनता है रीवा के अंदर। केवटी और बहुबटी ये दोनों रीवा में ही आते हैं। द नेक्स्ट इज सांची, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। सांची किस बैंक नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती, नर्मदा, बेतवा या चंबल? द आंसर इज सी, बेतवा के किनारे बसा हुआ है सांची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेतवा के किनारे कौन कौन से शहर बचे हुए हैं? बेतवा के किनारे हैं ओरछा, विदिशा और गुना। ओरछा, विदिशा और गुना, ठीक है। ताप्ती के जो किनारे बसे हैं वो मुल्ताई और बुरहानपुर। नर्मदा के किनारे बहुत सारे बसे हुए हैं, महेश्वर, होशंगाबाद, झाबुआ, निमाड़, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वा और मंडला। और चंबल के किनारे बसे हुए हैं शोपुर, मोरिना, महू और रतलाम। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा मगअप करने हैं, एक बार दोबारा से पढ़ने हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसके किनारे बसा हुआ है। द नेक्स्ट इज एंशियंट नेम ऑफ केन रिवर। केन रिवर का जो पौराणिक नाम है वो क्या था? तमसा, द्रुणावती, मेकालसुता या स्वर्ण नदी, ठीक है। तो केन को बोला जाता था फ्रेंड्स द्रुणावती, बी, द आंसर इज बी, द्रुणावती। तमसा बोला जाता था टोन्स को। नर्मदा के काफ़ी नाम थे जिनमें से एक नाम है मेकालसुता, और इन्हें सोमो देवी या रेवा के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। स्वर्ण नदी को मतलब सोन, सोना और स्वर्ण नदी एक जैसा, तो स्वर्ण नदी से आप समझ सकते हैं सोन। तो एंशियंट नेम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो आता है हमारा फुल लेंथ फ्रेंड, ये जो 26 क्वेश्चन है हमारे, इसमें से ये कवर अप कर देते हैं हमारे फिजियोग्राफियों का, एमपी को बहुत अच्छे से। काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा फिजियोग्राफी कैसी होती है, और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें पूरे टेस्ट की स्टडी करें और बाद में आपको देंगे नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फुल लेंथ टेस्ट इज द 9th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई, जो 9th शेड्यूल जो डाला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के अंदर, वो कौन से अमेंडमेंट से डाला गया था? आंसर इज ए, फर्स्ट अमेंडमेंट से। फर्स्ट अमेंडमेंट से और भी बहुत सारे आर्टिकल्स बने थे जो अमेंडेड किए थे उन्होंने, 15, 16, 85, 87 इन सारे आर्टिकल्स को अमेंडेड किया था, और इन्होंने आर्टिकल 31A डाला था, 31B डाला था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। किस बिल को इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है? तो वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि ये ड्यूटी है हमारी सरकार की जो हमें बाहर के जो हमलों से और इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनसे बचाएं। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 355, ठीक है। उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है 356 में, तो इसमें है आर्टिकल 355। सम पीपल इन अ मणिपुर लिव इन द हाउस बिल्ट ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, वो किस मणिपुर के अंदर जो कुछ लोग हैं फ्लोटिंग आइलैंड जो होते हैं उनके ऊपर अपने हाउस बना के रहते हैं। वो फ्लोटिंग आइलैंड्स क्या होते हैं? वीड्स या डिकेइंग वेजिटेशन होती हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है मणिपुर के अंदर? तो उन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स फॉर्मडिज। फॉर्मडिज इन्हें क्या कहते हैं? ये मतलब एक सीरीज होती है फ्लोटिंग आइलैंड की। और ये कहाँ पे बनाते हैं? मेनली ये कहाँ पे बने होते हैं? लोकटक लेक जो होती है मणिपुर में, वहाँ पे बने होते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फॉर्मडिज हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट, जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क बना देते हैं, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक इन मणिपुर, जहाँ पे ये घर बनाए जाते हैं फॉर्मडिज, ठीक है, याद रहेगा। द नेक्स्ट इज ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विद बुशेज एंड स्मॉल ट्रीज, जो ओपन स्टंटेड छोटे छोटे फॉरेस्ट मतलब उसके अंदर फॉरेस्ट होते हैं, बुशेज होती हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं वहां पे। लॉन्ग रूट शार्प थॉर्न्स, थॉर्न्स उनकी शार्प्स होती हैं, एंड शार्प थॉर्न्स एंड स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द रीजन? इट इज इन वेस्ट आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर ये हमें मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू द ओंग ट्राइब, ओंग ट्राइब कहाँ पे मिलती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ओंग ट्राइब अंडमान निकोबार में मिलती हैं। और कौन सी ट्राइब मिलती है अंडमान निकोबार में? यहाँ पे ग्रेट अंडमानीज, जरावा, सेंटलीज, निकोबारीज या शॉम्पिंस,
शॉम्पेन ट्राइब भी अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करती है, जरावा, सेंटिनलीज, निकोबारीज या ग्रेट अंडमानीज। तो याद रहेंगे ये बहुत बार पूछ ली जाती है अंडमान निकोबार की तरह, क्योंकि अभी भी एक करंट अफेयर इससे रिलेट करता है, क्योंकि अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं फ्रेंड्स, ये बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देती, किसी भी फॉरनर को अपने फॉरेस्ट के अंदर नहीं घुसने देती, क्योंकि वो उन्हें प्रिजर्व्ड मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई घुसा तो हमारी जो कंजर्वेशन है वो नहीं रहेगी या हमें ये बाहर से आके एक्सप्लॉयट करेंगे। इसलिए अभी पिछले 8-10 दिन पहले अंडमान निकोबार के अंदर फॉरेस्ट के अंदर कुछ बाहर के फॉरनर्स आए हुए थे, घूमने के लिए आए थे, वो एंटर किए, उनमें से उन्होंने तीर मार के एक बंदे को पूरा मार दिया। ठीक है, तो दे कंजर्व्ड देयर राइट्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हेन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विंड। जब विंड डिफ्लेक्ट होती है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, जब विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, इसे वेस्टर्लीज ट्रेड विंड वगैरह नहीं बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड होती हैं, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फॉर कोरियोलिक फोर्स आपस में बैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से जियोट्रॉफिक विंड जो बनती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो ये सभी को पता होना चाहिए, अर्थ सर्फेस के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ लेयर जो बनती है वो बनती है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। ठीक है, द टर्म अबिसल रेफर्स टू, अबिसल जो प्लेन आती है, अबिसल किससे रेफर करते हैं, ये जो होती है एक अबिसल प्लेन एरिया जो आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी जो यहाँ ये कौन सी डेप्थ पे आता है, 3000 मीटर से 6000 मीटर की डेप्थ पे ये बनती है, ये अबिसल प्लेन होती है, ये जो 50% ऑफ अर्थ सर्फेस का एरिया कवर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्मीकल्चर टेक्नोलॉजी इज यूज इन, वर्मीकल्चर की टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो फ्रेंड्स ये यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। वर्मी कल्चर होता क्या है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं वर्म्स की, जो अर्थ वर्म होते हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, और उनका जो एंड प्रोडक्ट, जब वो मतलब उनकी जब हम रियरिंग करते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट हमें वर्मी कंपोस्ट बनता है, मिलता है, जिसे हम जो क्या होता है वाटर सोल्यूबल होता है, जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये बहुत ही एक्सीलेंट या न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें देता है, और सॉइल को ये कंडीशनिंग भी बहुत अच्छे से करता है, इसलिए उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है, और कई बार इसे सीवेज स्लज के अंदर यूज किया जाता है। आंसर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वन वे रिलेशनशिप वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। जब दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही होती हैं, उस रिलेशनशिप्स को क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है पैरासाइटिज्म, जिसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एक टाइप का ये, जिसमें से एक एड करता है एट द टेबल ऑफ अनदर। ठीक है, द आंसर इज पैरासिटिज्म। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इन्हें बनाता है, और हर जो साल है ये कुछ एक नया जो अपना थीम लेके आता है, जैसे 2017 के अंदर इनका थीम था गवर्नेंस एंड लॉ के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट दी, और 2018 में है इन्होंने एजुकेशन एज अ थीम रखा है, एजुकेशन पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को किससे डिफाइन किया जाता है, नेशनल इनकम होती है फ्रेंड्स हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्लेस, नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्लेस, जिनके अंदर से हम जो वियर एंड टीयर को रिड्यूस कर देते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में अगर जब वियर एंड टीयर को रिड्यूस कर दे तो नेट नेशनल इनकम बनती है, इसे मार्केट प्राइस पे काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज द मेन रीजन फॉर द लो ग्रोथ एंड रेट इन लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे पास सेविंग्स भी ज़्यादा हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है, इसका रीज़न क्या है, तो ये इसका रीज़न है हमारी हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, जिसका रिलेशनशिप होता है कि बिटवीन द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो आउटपुट हमें कम मिलता है, जैसे कि कुछ भी धांधलियाँ हो जाती हैं, बीच में करप्शन हो जाता है, इसलिए हम इन्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, आंकड़े तो इतने, मतलब इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ का, बट वो प्रोजेक्ट के बाद में जो आउटपुट होती है वो हमें बहुत अच्छी नहीं मिलती, करप्शन हो जाता है, ये कुछ लूपहोल्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए होता है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। 2017 वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 2017 नहीं 2018 में भी वर्ल्ड पोलियो डे अब जो ऑब्जर्व किया जाता है वो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे बनाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, वॉशा, मैंगवा, येरेवन या एंडोरा लवेला। तो इसकी जो है येरेवन जो कैपिटल है आर्मेनिया की, वॉर्शा किसकी कैपिटल है, वॉर्शा कैपिटल है पोलैंड की, और मैनेगुआ किसकी कैपिटल है, ये निकारगुआ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोटोन द स्पीशीज ऑफ विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड
इको टोन के अंदर जो स्पीशीज सबसे ज्यादा अबंडेंट, ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है, उससे क्या बोला जाता है? तो इको टोन फ्रेंड एक ट्रांजिशन जोन होता है, जब दो बायोम्स, मान लो कि आप जैसे कि हम देखते हैं ये अगर झील है और या अगर कोई लैंड एरिया, लैंड सरफेस एरिया है और जो वाटर बॉडीज हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर जो कुछ भी होगा, जैसे कि जो हमारे सॉरी उसके बीच में जैसे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं, जैसे लैंड और रिवर के बीच में, जैसे जहाँ पे मैंग्रोव अगर फॉरेस्ट आते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ जो ऐसे जो दोनों बायोम्स के बीच में ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, तो वहाँ पे उन दोनों की स्पीशीज़ पाई जाती है और एक दूसरे को स्पीशीज इज़ नॉट फाउंड इन ओवरलैपिंग कम्युनिटीज़, तो उनके अंदर जो बॉर्डर कम्युनिटीज़ के कारण जो इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं एज इफेक्ट, और उसके कारण वहाँ पे जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एज स्पीशीज़। ठीक है, इन अ नाइट्रोजन साइकिल सॉइल नाइट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्री नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो सॉइल नाइट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं फ्री नाइट्रोजन को, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, दीज आर कॉल्ड डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उन्हें बोलते हैं डी नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस होती है। फ्रेंड्स आपको पता होगा जो नाइट्रोजन साइकिल होती है हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्म करती हैं फ्री नाइट्रोजन को बाय डीनाइट्रीफाइंग मटेरियल, ये जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल होते हैं इनके अंदर तीन स्टेप होते हैं। पहली तो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, फिर नाइट्रिफिकेशन करना, फिर डीनाइट्रीफिकेशन करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि जो लेग्यूम्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इन द सॉइल टू अमोनिया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है लेग्यूम्स की हेल्प से। फिर होती है हमारी नाइट्रिफिकेशन, जिनके अंदर जो अमोनिया होता है वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया या नाइट्रोबैक्टीरियल की हेल्प से। फिर नाइट्राइट जो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से। अब जो नाइट्रेट बन गया है उसको डीनाइट्रिफिकेशन करनी है, उसकी कन्वर्जन करनी है सॉइल नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन में, जो किया जाता है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, फंगी या और ऑर्गेनिज्म तो जो कंप्लीट करते हैं साइकिल को, जैसे कि आपने देख लिया कि नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, उसकी हेल्प करते हैं। लॉयन टेल्ड मकाओ इज अ की फॉनल स्पीशीज ऑफ विच रिजर्व, जो लंबी पूछ वाले जो बंदर होते हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? ये नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। और ये नीलगिरी के अंदर ये जो कंजर्वेशन होते हैं इसके अंदर हमारे जो टोटल नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर आता है ये तमिलनाडु केरला वाले रीजन के अंदर, ये तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो दिब्रू शिखा, यहाँ पे जो ये दिहांग दिबांग लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दिब्रू शिखावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये असम के अंदर है। जो और जो ये नौकरेक है ये मेघालय के अंदर है। तो समझ में आए, नौकरेक मेघालय, दिब्रू शिखावा असम, और दिहांग दिबांग कहाँ पे आ गया? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीस हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके अंदर नॉन ग्रीस हाउस गैस कौन सी है? आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे अर्थ से जो रेडिएशन जाती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ का टेम्परेचर बनाए देती है और या अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जो नहीं बढ़ाती है ये जो नहीं ग्रीन हाउस गैस है, जैसे ग्रीन हाउस गैस हम जैसे मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ठीक है, इसमें से ये नहीं है, कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट विच इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एज ऑफ एंगर अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट, एज ऑफ एंगर किसने लिखी है? लिखी है फ्रेंड्स पंकज मिश्रा ने। नेक्स्ट इज, हु इज स्वोन एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के नए प्रेजिडेंट जो बनाए गए रॉबर्ट मुगाबे, जो पहले 30 सालों तक यहाँ पे राज कर रहे थे उसके बाद में नए प्रेजिडेंट बनाए गए, कौन थे वो? दैट इज एमर्सन मिनगागवा, जिसे एमर्सन एमर्सन मेंगागवा, जिसे द क्रोकोडाइल का नाम भी दिया जाता है। द नेक्स्ट इज, विच न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे जो नया मिशन जो लेके आई थी वो था लक्ष्य, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। लक्ष्य का मतलब है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, जिसके अंदर जो क्या है मेटर्निटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो वहाँ पे उनकी एडवांसमेंट की जाएगी, जिसके अंदर प्रिवेंट की जाए एडवर्स आउटकम जो होते हैं चाइल्ड बर्थ के अराउंड, ठीक है, तो को कम किया जाए। नेक्स्ट इज, नेम द एक्ट विच वन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म के लिए जो एक्ट लाया गया था वो क्या था? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया था 1986 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर था कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म बनाए जाएंगे, जिन्हें बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट इज, विच ऑफ कंट्री हैज डिक्लेयर
कंसिडर अ योगा एज अ स्पोर्ट एक्टिविटी, जिन्होंने अभी अभी योगा अपने एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बोला था कि योगा एज अ स्पोर्ट एक्टिविटी करवाई जाएगी उस देश के अंदर, वो कौन सा था? सऊदी अरेबिया। क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है, और बहुत सारे इंडिया ने ही ये जो रखा था यूएन जनरल असेंबली के अंदर ये प्रोस्पेक्ट कि इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाए 21 जून को, ठीक है। उसके बाद में कई सारी कंट्रीज ने योगा को अपना लिया है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो रेज, रेडियो वेव्स की डिफ्लेक्शन के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर की लेयर इफेक्ट करती है? तो वो होती है आयनोस्फीयर। द नेक्स्ट इज रबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रबर एक प्रोडक्ट किसका होता है? रबर किसका प्रोडक्ट होता है, क्या क्या निकलता है उसमें से? रबर इज हार्वेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स से फॉर्म में हार्वेस्ट किया जाता है। लेटेक्स क्या होता है? स्टिकी मिल्की कोलॉइड जैसा होता है, जिसे बोलते हैं लेटेक्स निकालने को बार्क से निकलते हैं, टैपिंग बार्क से ये जो छाल है वहाँ से ये निकाला जाता है, स्टिकी सा मिल्की कोलॉइड प्रोडक्ट होते हैं जिसे टैपिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई विच साइंटिस्ट, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? तो वो की थी फ्रेंच जॉनस साल्क ने 1955 के अंदर। हमारे दो टाइप की पोलियो वैक्सीन हमें दी जाती है, एक तो होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जिसे IPV बोले जाए, जो इंजेक्शन दी जाती है, एक होती है वीकेंड पोलियो वायरस, एक तो होती है जो इनएक्टिवेट ही कर दे पूरा, जो हम इंजेक्शन देते थे वो पूरे वायरस को इनएक्टिवेट करते, एक होती है जो वीकन कर देती है पोलियो वायरस को, वो दी जाती है हमारे माउथ के थ्रू जिसे OPV बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन करने में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? कोबाल्ट, टंगस्टन, निकल या जिरकोनियम? द आंसर इज जिरकोनियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिरकोनियम एक ऐसा मेटल होता है जो हार्ड होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है न्यूट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है ये। द नेक्स्ट इज मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द किडनी, किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाउंड जो केमिकल फाउंड होता है, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो यूरिया के अंदर हमारे मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स या सिस्टीन या फॉस्फेट के, और इसके अंदर बहुत कम मात्रा में लिक्विड होता है, इसके अंदर ये जो कंपाउंड होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1876 अ पटिशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन सी जो यहाँ पे किसने 1876 ने पेटिशन रखी थी हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हमें जो इंडिया को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो वो किसने रखी थी फ्रेंड? वो रखी थी द इंडियन एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन जो सबमिटेड की थी 1875 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट, और इन्होंने बोला था कि हमें अपनी जो रिप्रेजेंटेशन मिली, इसके अंदर कौन थे? नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसने फाउंड करी थी इंडियन एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडिया के अंदर सुरेंद्र बनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस ने 1876 के अंदर ये जो एसोसिएशन बनाई थी, याद रखिए नाम फ्रेंड्स की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने द इंडियन एसोसिएशन बनाई थी 1876 के अंदर। और फिर इन्होंने प्रमोट करना चाहा था कि पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो मटीरियल एडवांसमेंट आए लोगों के अंदर, और इनके साथ बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस या सिविक लीडर्स भी जुड़ गए थे बाद में, और फिर बाद में इसी को ही मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो याद रखने की जरूरत है कि ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बहुत ही अच्छी एसोसिएशन थी जो ऐसे कार्य कर रही थी इंडियन एसोसिएशन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश हैज स्ट्रेंथन्ड द वॉइसराय अथॉरिटी ओवर इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर द कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट आया था फ्रेंड 1861 के अंदर, ठीक है, ये जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था कि वॉइसराय जो इंडिया है उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इनको एक कैबिनेट बना दिया था जो रन करेगी पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे अभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मंत्री होते हैं। तो ये जो पहले ऐसा मंत्री परिषद दिलाने का जो पहले कंसेप्ट आया था 1861 में आया था कि अलग अलग के मंत्री अलग अलग होंगे डिपार्टमेंट के, जैसे कि होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस या पब्लिक वर्क्स। यहाँ पे इस टाइम के बीच में इन्होंने 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स निकाले थे कैबिनेट के, होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस और पब्लिक वर्क्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑफेंस दैट कम्स अंडर द ऑफेंस ऑफ SC ST, SC ST एक्ट जो है हमारा 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इसके अंदर सबसे जो मतलब जो एक्ट को हम ऑफेंस मानते हैं तो वो कौन से हैं? पुट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस इनटू द माउथ ऑफ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट के मेंबर में कुछ मेंबर के मुंह के अंदर कुछ कोई ऐसी जो वो निगल ना सके या कोई ऐसी पदार्थ को हम धक्के से ठूंसना, या गार्लैंड्स विद फुटवियर मतलब उसके गले में जूतों का हार पहना देना और उसे उसको सजा देना नेक्ड और सेमी नेक्ड मेंबर करके उसको, तो ये दोनों ही एक ऑफेंस माने जाते हैं अंडर द एक्ट ऑफ SC ST। द नेक्स्ट इज
द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द नेक्स्ट सॉरी द अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन पॉसिबल बाय द मीन्स ऑफ मीमांसा जो हमारी सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी है उसके अंदर किसको इसके अंदर फिलोसफी के लिबरेशन पॉसिबल कि हमारी जो लिबरेट होती है आत्मा की लिबरेशन हमें मुक्ति कब मिलेगी कर्म से ही हमारी मुक्ति होती है लिबरेशन इज पॉसिबल विद बाय द मीन्स ऑफ कर्म कर्म तो हमारे सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी भी आपको पता होना चाहिए छह स्कूल्स फिलोसफी के क्या हैं तो न्याय विशेषिका सांख्या योगा वेदांता और मीमांसा ठीक है मीमांसा के अनुसार हमें मुक्ति मिलती है विद बाय मीन्स ऑफ कर्म करने से ठीक है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन शिस्ट एज अ मीडियम जिसमें ग्रीन शिस्ट एज अ मीडियम यूज किया जाता है वो है भ्रूत स्कल्पचर जो भ्रूत के स्तूप है सतना के अंदर जो हमारे हैं जो हमारी जो 1000 BC से पहले के हैं मध्य प्रदेश के अंदर सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अशोका के टाइम पे इन्होंने बनाया था और शुंगो ने बाद में इसके बाहर रेलिंग और या कुछ आर्टिस्टिक वर्क करवाए थे ठीक है तो यहाँ पे यूज किए जाते हैं ग्रीन शिस्ट द नेक्स्ट इज फर्स्ट राइट टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज ऑफ द फॉलोइंग पहले जो राइटर थे जिन्होंने उर्दू को एज ए मीडियम रखा था अपने पोएटिक में तो वो कौन थे हमारे अमीर खुसरो ठीक है ये क्या थे एक सूफिक मिस्टिक थे ये मतलब कि इनके गुरु कौन थे निजामुद्दीन ओलिया और ये इन्हें फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता है अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता है ये भी याद रखना है इन्होंने ही ओरिजिनेट किए थे ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन्होंने ही ख्याल और तेराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक को ओरिजिनेट किया था जिन्होंने ख्याल जो है अपने चरम पे पहुंचा था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ठीक है द नेक्स्ट इज बैटल ऑफ धर्मत वाज फाउट बिटवीन बैटल ऑफ धर्मत की जो फाइटल हुई थी वो किसके बीच में थे औरंगजेब और दारा शिकोह के फ्रेंड बीच में हुई थी ये कब हुई थी 15 अप्रैल 1658 के अंदर 1658 सॉरी विथ हाउ मेनी वॉलेंटियर्स डिड गांधी जी स्टार्ट द फेमस दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी ने कितने सारे वॉलेंटियर को अपने साथ में लेके उन्होंने जो डांडी मार्च निकाली थी 12 मार्च 1930 के अंदर कितने फॉलोवर्स थे उनके साथ 78 फॉलोवर्स थे जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकले थे और उन्होंने साल्ट ला को तोड़ा था ठीक है द नेक्स्ट इज विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वाज इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेज इन द मिडिवल टाइम ओइंग टू द फ्लरिशिंग ट्रेड बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात एमपी जो के अंदर मतलब जो मिडिवल टाइम के अंदर दिल्ली और गुजरात के बीच में जो ट्रेड होता था उसके अंदर कौन सी एमपी की सिटी जो थी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निभाती थी तो वो थी फ्रेंड सिरोंज जो तहसील है अभी वो सिरोंज सबसे बड़ा टॉप पार्ट निभाती थी ये एमपी के अंदर थी पहले विच ट्राइब ऑफ एमपी हैज मैरिज कस्टम कॉल्ड दूध लोटावा किस ट्राइब के अंदर दूध लोटावा की प्रथा है तो वो है गोंड के अंदर दूध लोटावा की प्रथा है ये फैमिली मेंबर्स भाई बहन की फैमिली आपस में ही शादी कर लेती है द नेक्स्ट इज भरूच स्पूत इज रोटेटेड एट सतना ये पहले बता दिया मैंने अपने वन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन मध्य प्रदेश फॉर्म स्टेट इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुई थी एमपी के अंदर तो वो हुई थी 1992 के अंदर ठीक है ये आपको पता होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कब हमारी यहाँ पे सेटल अप हुई थी द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम पी इज नॉन एज ओपीएम एल्कोलाइड प्रोसेसिंग वर्क जहाँ पे ओपीएम एल्कोलाइड प्रोसेसिंग वर्क किया जाता है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है तो फ्रेंड वो नीमच डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है ऐसा नहीं थी ये एक ही है इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में भी ये ओपीएम एल्कोलाइड वर्क किए जाते हैं नेक्स्ट इज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर इट्स कवर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया जो जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर से तो वो आती है फ्रेंड्स नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है विनोरा दही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट अप आता है ये जो लोकेटेड है सेंटर ऑफ द स्टेट सागर दमोह नरसिंहपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सागर दमोह नरसिंहपुर रायसेन ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है 1197 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवरअप करती है राता पानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 825 करती है इससे कम करती है ये रायसेन बगदरा रायसेन के अंदर आती है राता पानी नेक्स्ट इज बगदरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 478 स्क्वायर किलोमीटर करती है ये सीधी के अंदर आती है और जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी होशंगाबाद के अंदर आती है वो 485 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है तो समझ में आई नोरा देही कहाँ पर आ गई हमारी ये आ गई सागर दमोह नरसिंहपुरी और रायसेन डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है सागर आप मेजरली बोल सकते हैं देन राता पानी जो आती है वो हमारी रायसेन के अंदर राता पानी रायसेन देन बगदरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगदरा सीधी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद ठीक है मलाजखंड माइन लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद मिनरल मलाजखंड माइन जो एमपी के अंदर है वो किससे है तो वो है कॉपर से
ठीक है, वो किससे रिलेट करती है? कोपर प्रोजेक्ट ये कब आया था? जो हमारे मलाजखंड कोपर प्रोजेक्ट आया था 1982 के अंदर, ठीक है। इनिशियल ये जो प्रोजेक्ट किससे सेटअप किया था? हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड ने ये सेटअप किया था, ये कोपर माइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डू नॉट टच एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, जो किसी भी दूसरी स्टेट को टच नहीं करते हैं, जो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अशोकनगर, शिवपुरी, खंडवा या हरदा? द आंसर इज हरदा, जो किसी को टच नहीं करता है। जो अशोकनगर टच करता है यूपी को, शिवपुरी टच करता है राजस्थान को और यूपी को दोनों को ही, खंडवा टच करता है महाराष्ट्र को, ठीक है। तो ये टच करते हैं, हरदा नहीं टच करता है किसी को। ये विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी? हनी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? तो वो है हमारा मुरैना। अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में तो पंजाब इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मनी हनी सॉरी मनी एंड हनी बोथ। हाउ मनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आर देयर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर? तो फ्रेंड ये 10, 15, 20, 80, इसमें भी कोई भी सही नहीं है, क्योंकि अभी ये बढ़कर हो गए हैं अराउंड 14। द आंसर इज 14, प्लीज टेक अप, द आंसर इज 14, 14। दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी? दादा धूनी वाले प्रोजेक्ट जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा खंडवा के अंदर है, ठीक है, गोराडिया इन खंडा खंडवा, ठीक है, गोराडिया इन खंडवा के अंदर है। नेक्स्ट इज हैवोक इज अ मिशन ऑफ द नासा टू एक्सप्लोर द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट? हैवोक जो मिशन जो लेके आया गया था नासा द्वारा, वो किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए लेके आया गया था? हैवोक मिशन, ये है, हैवोक का मतलब है फ्रेंड हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कंसेप्ट, हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कंसेप्ट। तो ये समझ में आ गया किससे है, वीनस से रिलेटेड। द करेंसी ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है मन्नत, अजरबैजानी मन्नत, ठीक है। जो दिनार होते हैं ये करेंसी होती है जो मॉडर्न जो 7 मोस्टली इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनकी, जिसमें से 2 ऑर्थोडॉक्स जो सर्बिया और मैसिडोनिया भी इसके अंदर आ जाते हैं। डॉलर जो है 20 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इस करेंसी का यूज़ करती हैं, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लाइबेरिया, जमैका, नामीबिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, अबाउट 20। द नेक्स्ट जो रशिया की है वो है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल हुज पेरेंट मटीरियल टेंड टू बी रिच इन अ सैंड आर, जिसके अंदर पेरेंट मटीरियल की जो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पाया जाता है, पेरेंट मटीरियल मतलब जिससे वो रॉक बनी होती है उसी के पास में जो पेरेंट मटीरियल, वो जो सॉइल को क्या नाम दिया जाता है? उससे नाम दिया जाता है स्पॉट जोन। ये एक एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू रेवोल्यूशन अराउंड द सन? किस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है सन के अराउंड चक्कर लगाने के अंदर? तो वो प्लैनेट है फ्रेंड जुपिटर। जुपिटर को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर किससे बना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, इथेन एंड अमोनिया को। इससे इट हैज़ ए ग्रेट रेड स्पॉट भी बोला जाता है, इसके अंदर एक रेड स्पॉट है, और इसके 67 सैटेलाइट हैं। जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं? 67 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। द एपेक्स बॉडी ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेटेड रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड, जो बॉडी जो एपेक्स बॉडी सबसे बड़ी बॉडी होती है जो कोऑर्डिनेट करती है रिसर्च वर्क एग्रीकल्चर और उनके अलाइड फील्ड, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कार्य करती हैं, जो किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ ओक फ्लोरा इन 1966 एडेड अ न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक टसर सिल्क? ओक टसर सिल्क कहाँ पे बनाए जाते हैं? ओक फ्लोरा, ओक फ्लोरा की जो जहाँ जब डिस्कवरी हो गई थी, ओक फ्लोरा की डिस्कवरी के बाद के अंदर, ये जो 1966 में हुई थी इसकी डिस्कवरी, उसके बाद में ये जो ओक फ्लोरा है कहाँ पे मिलता है? सब हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, जैसे कि मणिपुर, हिमाचल, यूपी, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, ये सब हिमालयन जो बेल्ट है वहाँ पे ये मिला जाता है, जिनके अंदर सेरिकल्चर किया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी की टसर सिल्क जो इसमें से प्रोड्यूस होती है वो रहती है असम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ? लेंथ के हिसाब से अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा फिर कम या कम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके अंदर लगाए जाए तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो सब गोदावरी की सबसे ज़्यादा, फिर नर्मदा, देन महानदी, देन ताप्ती। गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर की निकलती। कहाँ से गोदावरी? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये इंडिया की आफ्टर गंगा, ठीक है। नर्मदा आती है 1312, ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से। फिर आती है हमारी ताप्ती जो 724 किलोमीटर की, ओरिजिनेट होती है सतपुड़ा रेंज से। फिर आती है हमारी महानदी, ये है 858 किलोमीटर की, जो ये ओरिजिनेट होती है हिल्स ऑफ सिहावा से, ठीक है। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर, जिसके अंदर सबसे कम फॉरेस्ट कवर आता है वो होती है हरियाणा,
क्योंकि प्लेन एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है. इफ़ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन बाय द ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन, वो लोकेट होगा फ्रेंड साउथ पोल पे. नेक्स्ट इज विच रिवर इज मेंशन इन द चरमयावती इन महाभारत, जिसे चमरावती या चरमनयवती बोला जाता है, सॉरी टू प्रोनाउंस, महाभारत में उसे वो कौन सी रिवर है उसे बोला जाता है चंबल. चंबल रिवर को चरमावती या चमरणवती कुछ ऐसा बोला जाता है, ठीक है. द आंसर इज चंबल. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश द एम्बसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न रूल्स, कौन सा ऐसा इंडियन रूलर था जिन्होंने अभी जैसे फॉरेन एम्बेसीज हमारी हर एक कंट्रीज के अंदर है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है, वैसे ही फॉरेन एम्बेसीज बनाई थी किस रूलर ने, तो वो बनाई थी टीपू सुल्तान ने, ठीक है. 1787 के अंदर उन्होंने ओटोमन कैपिटल इस्तांबुल के अंदर अपनी एम्बेसी बनाई थी, ओटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद वन, ठीक है. और उन्होंने कॉन्टैक्ट थे उनके मोहम्मद अली खान जो रूलर थे जेंद डायनेस्टी पर्शिया के, और उनके जो संबंध थे हमद बिन सैयद सुल्तान ऑफ ओमान. तो आप बोल सकते हैं ओमान, इस्तांबुल ओटोमन सुल्तान और पर्शिया, ओमान पर्शिया और इस्तांबुल, ठीक है. ओटोमन कैपिटल की थी जो ओटोमन की कैपिटल इस्तांबुल उस वहाँ पे इन्होंने बनाई थी. नेक्स्ट इज इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय द इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881, पहला इंडियन बैंक जो मतलब इंडियन ने ही मैनेज किया था 1881 के अंदर, तो वो कौन सा बैंक था, तो वो ब्रांड था अर्ध कमर्शियल बैंक, जो कहाँ पे था फैज़ाबाद के अंदर, 1881 में फैज़ाबाद में खुला था, ठीक है. ये पहला कमर्शियल बैंक था जिसकी सारी लाइबिलिटी इंडियन के पास थी, इंडियन ही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, छोटा सा बैंक था, इसकी कोई ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं थी, लोकल नीड्स को ये पूरी करता था, पर ये फेल हो गया 1958 में. बहुत अच्छी बात है 1958, इतने साल तो चला, ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड बाबुल मक्का, इस कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का मींस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जिसे गेट ऑफ मक्का बोला जाता था, तो ये बोला जाता था फ्रेंड गुजरात को, जिसे ये स्टार्टिंग पॉइंट होता था जहाँ से वो हज की यात्रा शुरू करते थे, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑन द एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय अ डार्क वाइट बॉर्डर, एक्टिव सेल को इंडिकेट किया जाता है डार्क वाइट बॉर्डर से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, स्टैंडर्ड ऑफिस सूट नहीं है फाइल मैनेजर. यू कैन कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चांस टू HTML डॉक्यूमेंट बाय द यूजिंग ऑफ इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड की हेल्प से आप अपनी एक्सेल वर्कशीट डाटा को HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेम फ्रॉम वन लैंड कैन ट्रांसमिट टू द अनदर लैंड वाय द डिवाइस ICT, किसके द्वारा ये जो वन लैन से दूसरी लैन के अंदर भी टू सेगमेंट्स ऑफ द सेम लैन के अंदर इसे डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तो वो होती है फ्रेंड ब्रिज, उसे बोलते हैं ब्रिज. द नेक्स्ट इज विच सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000, ठीक है. लेट 1980s के अंदर ये बना था और इसे लॉन्च हुआ था ये 1 जुलाई 1991 के अंदर. पहले हमारा 1980s में सुपर कंप्यूटर का प्रोजेक्ट प्रोग्राम चला था, 1991 में हमने इसे बना लिया था परम 8000 को, ठीक है. किसने बनाया था, तो ये बनाया था सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्यूटी सीडेक द्वारा बनाया गया था. अभी जो हमारा न्यूली डेवलप्ड जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, प्रत्युष अभी जो बना 2018 के अंदर, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. अभी तक कितने बन चुके हैं, तो 11 बन चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसफर सिस्टम, कम्युनिकेशन ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, तो एक्सीलरोमीटर जो है हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसफर सिस्टम नहीं है. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज होस्ट अ 2023 रग्बी वर्ल्ड कप, तो कौन होस्ट करेगी रग्बी वर्ल्ड कप, होस्ट करने वाली है फ्रांस हेल्प करेगी. और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम्स में इंक्लूडेड नहीं है, ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सभी कुछ स्कीइंग साइकिलिंग आर्चरी तो होती है. द टर्म चुकर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, ये यूज किया जाता है फ्रेंड पोलो गेम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 6 पीरियड्स होते हैं 7.5 मिनट के, पोलो गेम के अंदर 6 अलग अलग पीरियड होते हैं 7.5 मिनट के ईच, जिन्हें चुकर्स बोला जाता है, ठीक है. और ये जो गेम थी पहले ओलंपिक स्पोर्ट थी 1900 से लेके 1936 में, बट अब ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है. 1900 से लेके 1936 में ये भी एक ओलंपिक स्पोर्ट थी, बट उसके बाद में इसे हटा दिया गया. द टर्म नेक्स्ट इज क्वींसबेरी रूल्स इज
द नेम गिवन टू द रूल्स इन क्विंसबेरी या मार्क्विस ऑफ क्विंसबेरी रूल्स किसके लिए बनाए जाते हैं? इट्स फॉर बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग के लिए होते हैं। ये ड्राफ्ट हुए थे, बनाए गए थे सबसे पहले लंदन में 1865 में और पब्लिश हुए थे 1867 में, ठीक है, लंदन में बनाए गए थे 1865 में। अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेपरेट कमीशन फॉर एससी एंड एसटी वर एस्टेब्लिश। पहले एक ही कमीशन होती थी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, उसके बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया। कब कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 के अंदर, 89th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारा, उसकी उसके बाद में इन्हें अलग कर दिया गया था, ठीक है। पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कांड शेड्यूल ट्राइब दोनों इकट्ठी होती थी, बाद में इन्हें अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन कन्वेंशनल रिमोट कंट्रोल ऑफ अप्लाइंसेज, जो रिमोट कंट्रोल से अप्लाइंसेज कंट्रोल होते हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी रेज को यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है फ्रेंड इंफ्रा रेड रेज का, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इंफ्रा मेजरली इंफ्रा रेड रेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और देन द विजिबल लाइट, और ये इनविजिबल भी होती हैं, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनविजिबल होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती, मोर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द लीसा पाथ फाइंडर, जिन्होंने लीसा पाथ फाइंडर को लॉन्च किया था, कौन सी थी वो स्पेस एजेंसी? तो वो थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिन्होंने जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लीसा पाथ फाइंडर भेजा था, लीसा पाथ फाइंडर फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स। विच इज द ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया, सबसे पुरानी पोलिटिकल पार्टी हमारी इंडिया में कौन से, क्वेश्चन हो सकता है जो ये अभी चुनाव का बहुत माहौल चल रहा है, तो वो थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो फॉर्म हुई थी 1885 के अंदर, ठीक है, जो एओ ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अब जो पूछा जाए बीजेपी, हाँ बीजेपी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है अभी, बीजेपी जो बीजेपी बनी थी फ्रेंड वो 6 अप्रैल 1980 को बनी, 1980 में, याद रखने की बात है, ये 1980 के अंदर बनी थी 6 अप्रैल 1980। बहुजन समाज पार्टी है जो बीएसपी है, वो जो बनी थी फाउंडेड बाय द बर्थ एनिवर्सरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब 14 अप्रैल 1984 को बनी थी कांशीराम के द्वारा, बीजेपी 80 के अंदर, बीएसपी 84 के अंदर कांशीराम जी के द्वारा। और जो ये हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये 1925 में बनी थी एम एन रॉय, ठीक है, 1925 ये बनी थी 1925 बाय एम एन रॉय, ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन सी कब पहले। पहली भारतीय जनता पार्टी 1980, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, कम्युनिस्ट पार्टी 1925, और जो ये बीएसपी है वो बनी थी 1984, ठीक है। व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, 1951 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में अंदर आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसे इनेक्ट किया गया था इंडियन प्रोविंशियल, जो इंडिया की प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी पहले इलेक्शन से पहले, तभी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास कर दिया था, जिसके अंदर बताया गया था कि क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में ये एक्ट था, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन सबमिट इस रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, आर्टिकल 280 के अंडर ये फाइनेंस कमीशन आता है। अभी तक हमारे 15 फाइनेंस जो कमीशन है वो बन चुके हैं, 15वें के जो अध्यक्ष जो अभी बनाई गई थी वो हैं एन के सिंह, और 14th फाइनेंस कमीशन के थे वाई वी रेड्डी, और 15वें के हैं एन के सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट इज चौकरिया फाग इज फॉक सॉन्ग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ एमपी, चौकरिया फाग कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है फ्रेंड बुंदेलखंड के रीजन में, जिसे इसुरी फाग भी बोला जाता है, जिनके अंदर जो सिंगर होते हैं धरती पे बैठ के अपने गाने जो गीत है वो गाते हैं। देन इज मुसोलिनम ऑफ मियाँ तानसेन इज सिचुएटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट, जो तानसेन का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो है ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर से बिलोंग करते थे, ग्वालियर घराना इन्हीं के नाम पे, जहाँ पे ख्याल घराना जो हिंदुस्तान म्यूजिकल जो क्लासिक घराना है, जहाँ से ग्वालियर घराने से यहाँ पे हिंदी इसकी ख्याल घराना की जो उपज है वो हुई थी मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे, ठीक है। व्हाट इज द मध्य प्रदेश, प्रदेश इज कॉल्ड डेट्रॉयट ऑफ मध्य प्रदेश किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है पीतमपुर। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बहुत ही लंबा जो ऑटो टेस्टिंग जो ट्रैक है वो इन्होंने अभी अपना बनाया है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, और एशिया का नंबर वन जो ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीतमपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चेयर, ये हमने अपने पिछले लेसन में बात करी है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला लेसन देखा हो। विच इज़ द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन होता है उसका टेन्योर कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। द टर्म ह्यूमन राइट्स डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 में ह्यूमन राइट को जो टर्म को डिफाइन किया गया है वो कहाँ डिफाइन किया, सेक्शन 2D के अंदर इसे डिफाइन किया गया है ऑफ 1993 के एक्ट में, जिन्हें बोला गया कि ह्यूमन राइट क्या होती है, जो राइट हमारे किससे रिलेट करती हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से जो रिलेट करती हैं उन्हें बोला जाता है ह्यूमन राइट। नेक्स्ट इज एल्युमिनियम सर्फेस आर ऑफन एनोडाइज्ड, दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ, एनोडाइज्ड करना एल्युमिनियम के सरफेस को, इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना, ठीक है, जिससे क्या है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस टू करोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइन, फर, स्प्रूस, सिडार, लाच, साइप्रस आर द फेमस टिम्बर हील्डिंग प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द सेवरल अदर वेराइटीज आल्सो अकर वाइडली इन द हिली रीजन ऑफ एरिया, ऑल ऑफ दीज बिलोंग्स टू, ये जो सारी प्रकार के जो वृक्ष हैं किस जो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। इनमें जो ग्रुप ऑफ प्लांट होता है ये प्रोड्यूस करते हैं अपने सीड्स को दैट आर नॉट कंटेन्ड विद इन द ओवरी, ओवरी या फ्रूट के अंदर ये नहीं होते, ये ओपन होते हैं टू द एयर में और डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड होते हैं पोलिनाइजेशन से, ठीक है, पोलिनेशन से डायरेक्टली फर्टिलाइज होते हैं ये। दिस इज़ द प्राइमरी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द स्टेडियम मध्य प्रदेश इन द ईयर 2001 सचिन तेंदुलकर बिगन द फर्स्ट स्पोर्ट्स स्टार टू ईच 1000 रन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री, जिन्होंने 10,000 रन्स इन क्रिकेट जो ODI के अंदर इन्होंने बनाए थे, कौन से स्टेडियम के अंदर बनाए थे, वो नेहरू स्टेडियम के अंदर बनाए थे। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज द कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है फ्रेंड तमिलनाडु के अंदर, कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट है। नेक्स्ट इज द टर्म व्हाइट वॉश इज एसोसिएटेड विद द गेम, सभी को पता होगा व्हाइट वॉश मतलब कि क्रिकेट से रिलेट करता है, जिन्होंने इन्हें मतलब कि खेलने वाली विजेता टीम ने कोई भी मैच नहीं आ रहा है, सारे मैच वो जीते हैं, तो वो बोलते हैं व्हाइट वॉश। नेक्स्ट इज हु इज द नेक्स्ट आफ्टर द वीरेंद्र सहवाग टू सिक्योर अ ट्रिपल सेंचुरी अगेंस्ट द इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट, द आंसर इज करुण नैयर। नेक्स्ट इज हु व्हाट डज द EPROM स्टैंड फॉर, EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Wi-Fi टेक्नोलॉजी इज अ Wi-Fi टेक्नोलॉजी विद इन द अनयूज स्पेक्ट्रम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, Wi-Fi टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, Wi-Fi टेक्नोलॉजी, तो ये फ्रेंड्स Wi-Fi टेक्नोलॉजी है वो TV ट्रांसमिशंस के अंदर इसके अंदर यूज है, जैसे हम देखते हैं ना अभी LED TVs जो आए हैं वो Wi-Fi से होते हैं, तो उस Wi-Fi को बोला जाता है Wi-Fi, ठीक है। 88 क्वेश्चन है, इज द क्राइटेरिया ऑफ विश्वमित्र अवार्ड टू दोज एमिनेंट कोचेज ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज़ वॉन, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है, विश्वमित्र जो अवार्ड हमारे एमिनेंट कोचेज को दिया जाता है उसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा फ्रेंड या तो किसी ने 2 गोल्ड मेडल दिए जाए हों या 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज, तो ये होता है इसका क्राइटेरिया जो विश्वमित्र अवार्ड हमारे यहाँ पे MP के अंदर दिए जाते हैं, एमिनेंट कोचेज को दिए जाते हैं, ये याद रखने की बात है कि एमिनेंट कोचेज को दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द नेम द स्टेडियम ऑफ मध्य प्रदेश विच वॉज प्रिविलेजली नोन एज महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, उसको रिनेम किया गया था 2010 में, तो क्या नेम किया गया था, वो था होलकर क्रिकेट स्टेडियम, उसका पहले नाम था महारानी उषा राजे ट्रस्ट 2010 तक, ठीक है। नेक्स्ट इज विच हु इज एन ए शूटर फ्रॉम द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बैग्ड द 3 गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, तो वो थे ओमकार सिंह। इंडियाज ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेवी का एविएशन म्यूजियम, नेवल एविएशन म्यूजियम जो बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया फ्रेंड्स, वो बनाया गया गोवा के अंदर, ये पहला है ऐसा म्यूजियम जो बनाया गया 1998 के अंदर, जिनके अंदर ये दो हमारे दो मिलिट्री एविएशन के म्यूजियम हैं, जिनमें से एक ये गोवा में, एक हमारा इंडियन एयरफोर्स का म्यूजियम भी है जो पलम दिल्ली के अंदर है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अमंग द अनमैंड एरियल व्हीकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हील्ड वर्जन नोन एज पंछी, जो व्हील्ड वर्जन है इसका पंछी जिसे नाम दिया गया उसका क्या है, DRDO निशांत, वो कौन सा है हमारा DRDO निशांत, ठीक है। द नेक्स्ट इज जो ये DRDO निशांत है फ्रेंड, ये इंडिया का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द विक्रम अवार्ड्स फॉर द स्विमिंग दिव्यांग कैटेगरी ऑफ 2017, तो वो थे धर्मेंद्र हीवार। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉन द स्पेशल अर्बन जन सपोर्ट मॉडल अवार्ड 2017, तो वो हैं हमारे फ्रेंड्स
हब एंड स्पोक या पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम जो हमारी भोपाल के अंदर लगाई गई थी, पब्लिक माई बाइक शेयरिंग सिस्टम हैदराबाद के मॉडल पे। द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट फर्स्ट टू ऑफर द आधार आइडेंटिटी टू द काउज, जिन्होंने आधार आइडेंटिटी काउ को भी दी, वो थे हमारे MP स्टेट के अंदर जो येलो कार्ड की, येलो आधार चिप लगाई जाती है कान के ऊपर, ठीक है, जिनके अंदर अभी तक 90 लाख कैटल्स जिनमें से 54 लाख काउज हैं उनको आधार का टैग दे दिया गया है। दिस इज अबाउट द होल फुल लेंथ टेस्ट फॉर दिस टुडे। द नेक्स्ट इज द सिलेबस फॉर टेस्ट पेपर 8, दैट इज़ ऑन 26 नवंबर को, जो आपका कल मंडे को ही होने वाला है। मिडिवल हिस्ट्री पे है, इसमें क्लास 7th की NCERT आपको करके आनी है और क्लास 11th की NCERT का पार्ट 2, दैट इज थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये करके आना है। विद आपको लूसेंट के जो हमने अभी तक 5 चैप्टर कर लिए थे उसमें 6 to 11 चैप्टर आपको कवरअप करके आना है। कवरअप आपको करना है गुप्ता पीरियड से लेकर मिडिवल हिस्ट्री में आपको टिल मराठा स्टेट तक आपको ये कंप्लीट करके आना है, ठीक है, जिसमें आपकी जो भी कल्चरल मूवमेंट्स या जो आपकी भक्ति मूवमेंट जो है इसके अंदर आ जाएंगी, मौर्यन इसके अंदर आ जाएंगे, आपके कवरअप हो जाएंगे, ठीक है। गुप्ता लेटर गुप्ता जो आपके और मौर्यन और मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पढ़ के आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड, प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन, कमेंट फॉर द फीडबैक एंड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट, शेयर फॉर हेल्पिंग टू द अदर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।